स्टनिंग व्यू है कि नहीं? ओ गिरेगा मरेगा अंदर। ये यहाँ पर एक प्राइवेट बीच है, यहाँ से अगर जा सकते हैं, लेकिन ये पहाड़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। पहली बात तो मैं माजत चाहता हूँ लेट अपलोड के लिए। तो दूसरी बात ये है कि जुमे की नमाज़ के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं, तो आप लोगों से मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के मैं आप लोगों से बात करता हूँ। जुमे की नमाज़ के लिए पहुँच गए हैं और यहाँ पर कोई पार्किंग की जगह नहीं है, फुल है हर जगह पार्किंग पार्किंग पार्किंग। चलो यार यहाँ दूरी मिली है, यहाँ पर ही लगा लेते हैं। नमाज पढ़ के बात करता हूँ आपसे। चलें जी चलें। ये लो जी जुम्मे की नमाज हो गई ख़त्म। तो गए जुम्मे की नमाज़ हो गई ख़त्म। तो यहाँ पर अक्सर मस्जिदें फुल हो जाती हैं, जगह नहीं मिलती नमाज़ पढ़ने की, तो अपना मसल्ला साथ लेके जाना पड़ता है। तो करते हैं आज का दिन शुरू। माशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ का रश देखें, यहाँ से घर जाने में तकरीबन 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो भाई बात करते हैं शुरू के, इतनी लेट वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ, एक तो बिजी बहुत थे, दूसरी बात कुछ था नहीं पास करने को तो दिखाता क्या मैं, तो तीसरी बात ये भी कि भाई बंदा डीमोटिवेट हो गया था और कुछ नहीं। बाकी इंशाल्लाह आपसे कोशिश ये रहेगी कि वीकेंड्स पर जुम्मे के दिन व्लॉग्स अपलोड करता रहूँ मैं। और माफ़ी चाहता हूँ कि इतनी लेट वीडियो अपलोड करूँ, तकरीबन एक साल बात कर रहा हूँ, एक साल में बहुत कुछ हो गया। अभी माशाल्लाह से अपना काम भी कर रहे हैं और घर भी संभाला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी मैं गया था मस्कत, गाड़ी लेके आया हूँ वहाँ से अपने लिए। मस्कत मैं होता हूँ यहाँ पर मेन सलाला में, यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है मस्कत। मैं मस्कत से जाके गाड़ी लेके आया था अपने लिए और बाकी यही चल रहा है, देखते जाएँ आगे। तो बाकी बात करते हैं आज के प्लान की। तो आज के प्लान की कोई खबर नहीं है, जो प्लान बनता है अचानक ही बनता है। दोस्त वगैरह आएंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे बाहर। और रही बात कि मेरे चेहरे पे कोई मुस्कुराहट क्यों नहीं, क्योंकि मैं भाई थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। सही है, हमारी सुबह ही तकरीबन दोपहर में जाके होती है, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। ये जनाब है जी, इनकी भी सुबह अभी तक नहीं हुई, अभी तक सोए पड़े हुए हैं। इन्होंने नहीं उठना होता जिस तरह हम भी सोए होते हैं, उठते नहीं हैं। लेकिन गाइस कमरे की आदत को माइंड नहीं करना, क्योंकि अभी कपड़े धोए थे रात को तो अब तक संभाल के रखे नहीं हैं। तो भाई ये दो बंदे मुझे उठाने आ गए हैं, लेकिन प्लान का अभी भी कोई नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं असद भाई की गाड़ी स्टार्ट करने। ये दो बंदे हैं हसीन हस्तियाँ, ये असद साहब। असद भाई हाथ हिलाते हैं, प्रैंक हो रहा है आपके साथ। ये इसको तो जानते होंगे, ज़रा अपनी शक्ल इधर करो। ये शाहजेब भाई हमारे जो आए थे पहले दरबार वाली वीडियो में आए थे। यस yes. हाँ, और अभी हम लोग आए हैं सनाइया में, जा रहे हैं असद भाई के डेरे पे, जहाँ पर गाड़ी खड़ी की हुई है। डेरा मीन यार सर्विस स्टेशन, जहाँ इनका काम चल रहा है माशाल्लाह से। तो उधर इनकी गाड़ी खड़ी है, वो स्टार्ट करनी है। इनके अबू गए हुए थे पाकिस्तान, तो आज आ रहे हैं वापस। तो भरोसा नहीं था असद के ऊपर, इसलिए गाड़ी वो बंद करके चले गए थे। आज उन्होंने इजाज़त दे दिया कि स्टार्ट कर लो और आओ, तो वही करने जा रहे हैं। गाड़ी आज इतने सालों बाद स्टार्ट हुई है, माशाल्लाह पेट्रोल भी ठीक ही है। अब गाड़ी को होने देते हैं गर्म, भाई थोड़ी देर बाद निकलेंगे। असद भाई क्या कर रहे हो? गाड़ी साफ कर रहे हैं। असद भाई इतनी भी साफ नहीं थी। हेलो, अच्छे से साफ करो। भाई हमारे असद भाई कहते हैं कि लड़के
यार मैंने कब कहा यार, मैंने ऐसे कब कहा यार, मजाक ना बनाया नहीं। अब हम चिट्टे हैं तो हम जाके मर जाएं या ग्रीस लगा लें जाके अपने चेहरे पे, फिर जाके हम लोग काले हो जाएंगे, फिर हम लोग अच्छे नहीं अच्छे लगेंगे तकरीबन, उनका ये ख्याल है। यार ये बंदे चेस वाली बातें करते हैं, जब मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ तब मुंह बंद कर लेते हैं, क्या मसला तुम लोगों को? तो यहाँ चढ़ो किधर, छत पे चढ़ो। हाँ छत पे चढ़ेंगे और किधर चढ़ना है। ओ भाई आराम से प्यारा लग रहा है ना। तो अपने फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि भाई कैमरा तो मेरा मिल नहीं रहा, क्योंकि लास्ट टाइम जब एक साल पहले वीडियो बनाई थी तब पता नहीं कहाँ रखा था, उसके बाद इस्तेमाल ही नहीं किया कहीं कैमरा हमने। शाहजेब भाई करोला लेके निकल रहे हैं हम लोग भाई साथ में, बड़ी पार्टी के साथ ही मैं जाता हूँ हमेशा। भाई हम सलाला में नए, हम लोग आए हैं दुबई से, तो हमें पता नहीं क्या करना ज़्यादा ज़्यादा। असद भाई हमें घुमाएंगे ना, मजाक करे थे हम लोग, टूरिस्ट नहीं हैं हम लोग, सलाला के यहाँ पर ही पले भरे हैं, पले बड़े हैं, पले बड़े हैं। असद भाई ने भाई हमारे गाड़ी अंदर से भी माशाल्लाह सही साफ सुथरी रखी है, अल्लाह और देने। आमीन को भाई, आमीन 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 आमीन। नहीं चाहिए तो बोल दो, फिर आपके जगह मैं ले लूँगा। नहीं नहीं हमें मिल जाएगी। क्या बोल रहे हो आप उसके बारे में, फिर से बोल रहे? मैं कह रहा हूँ कि वो बंदा बहुत अच्छा है यार, दिल का भी बहुत अच्छा है। थोड़ी देर पहले तो कुछ और आपके अल्फाज थे। क्या और, मैं तो कुछ नहीं इस तरह बोला यार, मैं तो शरीफ बंदा हूँ। बिल्कुल, अगर हम शरीफ हो गए तो दुनिया कहाँ जाएगी भाई। कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा मेरे ऊपर, समझा करो। यूट्यूब पे हम लोग गाने नहीं डाल सकते, हाँ खुद गा लो बेशक, तो चलता है। वैसे भाई ये है सलाला, चेक करो, गर्मी बाहर गर्मी, गाड़ी के अंदर फुल एसी लगा के बंदा बैठता है तो भाई फिर जाके सुकून मिलता है। हाँ कुछ दिनों पहले तो बारिश हुई थी और अभी भी बारिशों का इम्कान है, लेकिन ऊपर आसमान जितना साफ है लगता ही नहीं कि बारिश होगी। खरीफ का इधर एक मौसम है जो 3 से 4 महीने बारिशें होती हैं, बाकी सब सूखा सूखा सा है। और ये जो आप सब देख रहे हैं ना, ये सब आर्टिफिशियल है, ये कोई ऐसे नहीं है। आर्टिफिशियल नहीं भी होगा तो इन लोगों ने इधर 12 घंटे पानी चला के रखना, फिर जाके ये घास हड़ी होती है इधर हड़ी। असद भाई जी प्राडो हो तो बंदा कहीं से भी निकल जाता है, मेन रोड से सीधा कच्चे में उतार के, और मतलब कि ये एस्केप टाइप प्लान है ना भाई, इतनी ऐसा भी नहीं ना, थोड़ा सा फिट होना चाहिए। आओ और वो शाहजेब भाई भी आ रहे हैं पीछे पीछे। भाई ये जी शाहजेब भाई आ गए और असद भाई फोटोग्राफर अपनी दोनों गाड़ियों की फ़ोटो ले रहे हैं, और हम लोग इधर आए हैं जी एक मशहूर हस्ती को लेने के लिए, हमारे क्लास फेलो था साथ, था नहीं है। तो भाई ये भाई हमारे आए हैं और ये कह रहे हैं कि शीशा पिए बिना इन्होंने जाना नहीं है घर, यही बात है। अच्छे अल्फाज चोइस आप गुस्सा कर रहे हैं हमारे। ये सलाला का ग्रैंड मॉल, बाय बाय सलाला गार्डन मॉल, ग्रैंड मॉल तो नहीं है गार्डन मॉल है, क्योंकि ग्रैंड मॉल अभी बन रहा है, इस साल खुल जाएगा। और अभी ये लूलू का रास्ता है और वो सामने लूलू है।
भाई इतने अच्छे व्यू पे आए हैं और असद भाई अंदर बैठे हैं और गेम खेल रहे हैं, उनको ये चीज नहीं दिखाई दे रही इधर, ये व्यू चेक करो बस, इतना अच्छा व्यू हुआ और अंदर पबजी खेल रहे हैं और वो अंदर बिजी हैं शाहजेब भाई हमारे फोटोग्राफी में बिजी हैं, लेकिन यार कसम से जो व्यू है ना लाजवाब भाई, प्यारे व्यू के नहीं मेरे ब्लैक के ऊपर ब्लैक, अगर मेरी आवाज नहीं आई तो वहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पर हवा बहुत है सिर्फ पिक्चर के लिए देना। निकल आए बॉनलेट क्यों खोलना भाई, वैसे यार रहने यार, ये हमारे असद भाई को सपोर्ट करें सारे, हमारे असद भाई बाहर नहीं आना चाहते गाड़ी से, कहते हैं कि मुझे ज्यादा लाइक्स नहीं मिलते, पीछे बैठ जाओ मैं चल भाई, एक और चीज डिस्कवर किया यहां पर तो इको भी बहुत है यार, कोई आवाज लगाओ आ रही है असद, असद भाई, असद भाई, असद भाई ने कल शर्ट ली है भाई रोजलीना से इतनी महंगी, जाहिर सी बात है एटीट्यूड तो होगा उनके अंदर आजकल, असद भाई अब हम ऐसा देखो क्या कर रहे हैं, गाड़ी लेके भाग रहे हैं यहाँ से, भागने दे ये फोन हमारे पास है उसका, इधर तो कोई टैक्सी लेंगे बेच के 500 रुपए का फोन है सेल के लिए, वो भाई जा रहे हैं चेक करो, सबके भाई अपने अपने एटीट्यूड है, अब हम लोग जाएंगे पैदल यहाँ से पूरा जबल चढ़ेंगे ये यहाँ से सीधा ऊपर पता चला आधे रास्ते में टेक यार, असद असद यमन निकल गया भाई, ये चेक करो टायर की हवा निकल गई है और हम लोग अब पैदल जाएंगे, देखो मेरी बात कितनी सच्ची होती है, मुझसे आप लोग ने अपना फ्यूचर पता करा होगा, गाड़ी भाई रोड साइड पे पार्क की है, अब ऊपर जा रहे हैं और दे देंगे हिल, अगला वाला फिर है माशाल्लाह से, भाई ये व्यू है और फिर इस व्यू को भी बाय बाय करते हुए हम लोग जा रहे हैं वापस, वो गाड़ी खड़ी हुई है नीचे और ये लोगों की फोटो फोटोग्राफी बंद नहीं, और ये अब एक और पॉइंट है, ये यहाँ पर एक हिसाब का फुहारा ही है, तो भाई ऊपर जाना कैंसिल हो गया, बस वहां से थोड़ी सी व्यू ले ली क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, शाम हो रही है मेरी घड़ी है, चलते हैं वापस सलाला की तरफ, क्या अच्छा क्या कुछ भी दिखाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, वो कार जगह के बाद हम लोग अपना शो शुरू कर रहे हैं, ये भाई वापसी जा रहे हैं और ये लोग बैठे हुए हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं, और ये पड़ गई है जी शाम, लेकिन ये जगह थी बैठने वाली, लेकिन यहाँ पर सारी फैमिलीज बैठी हुई हैं और बारबेक्यू करने का क्या अलग मजा है मैं कहता हूँ, चस आ जाता है, असद भाई ने अभी तक मुंह बनाया हुआ है, पता नहीं इनको आज क्या हुआ है, कोई समझ नहीं लगती, कुछ भी दिखाया जा सकता है,
कुछ भी। शाहजेब भाई बिजी हैं, ज़ूम करके दिखा। शाहजेब भाई बिजी हैं गाड़ी चलाने में, मुझे नहीं असद को ज़ूम करके दिखा। असद असद हाथ हिला दो, देखो कैमरा यहाँ पर, वो कैमरा है मारा, हाथ हिला दो, प्रैंक हो रहा है आपके साथ। कुछ भी दिखाया जा सकता, बस थोड़ी सी हंसी हो। और फिर आ गए जी हम अपने अपने घर, घर चले गए जी सब अपने घर घर। तो आज का व्लॉग उम्मीद है आप लोगों को सब पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बनाया है, तो आदत तो छूट गई वीडियो बनाने की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह वीकेंड्स पे मैं व्लॉग बनाता रहूँगा। तो वेट करें मेरे अगले वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।